हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है, ये हमारा कॉमन सब्जेक्ट है। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक्स रहेंगे एग्जाम के लिए यूनिट वाइज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 4th सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट रहेंगे। 2 सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के कॉमन रहेंगे, वो कंपलसरी है, वो सबको लेने ही है। एंड बाकी 2 सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास 10 to 12 सब्जेक्ट की लिस्ट रहेगी, उसमें से हमें 2 सब्जेक्ट जो है वो चूज करना है, ठीक है। तो हमारा जो ये बायोस्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सब्जेक्ट है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो हम सबको पढ़ना ही है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या है कि पहले देखते हैं कि ये सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स पार्ट है। ऐसा देखने से लगता है कि भाई क्या ही सिलेबस है, क्या ही हमें पढ़ना है, बट क्या है कि एक बार हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे मैथमेटिक्स वाले नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर फार्मेसी के अंदर मेनली ज्यादातर बायो के स्टूडेंट्स हैं, तो उन्हें प्रॉपर ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं देंगे। तो क्या है कि सिंपल बेसिक क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आते हैं। तो सिंपल हम लोग को धीरे धीरे करके यूनिट वाइज जो है पूरा सिलेबस पढ़ना है, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं कि क्या चीजें जो है वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ के जानी ही जानी है, जो एग्जाम के अंदर पूछी ही जाती है। तो वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बाकी आपको 8th सेमेस्टर के अंदर किस सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सबसे पहले चाहिए वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड जो यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें, इसके पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल रहेंगे वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक बेसिक इंट्रोडक्शन की हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है 8th सेमेस्टर की, वो भी आप जरूर से चेक करना। उसके अंदर प्रॉपर ऐसे बताया गया है कि भैया 8th सेमेस्टर के अंदर हमें मतलब किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से हमारे मार्क्स वगैरह का रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे, किस तरीके से हमें सब्जेक्ट चूज करने, ठीक है। सारी चीजों के लिए एक बेसिक इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई गई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिट फर्स्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब चैनल पे भी एंड टेलीग्राम चैनल पर, प्रॉपर पीडीएफ अपलोडेड है सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली हेल्पफुल रहने वाली है, तो उसे भी आप लोग एक बार जाकर के चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो इसके अंदर सिलेबस हमारे पास क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, ठीक है। उसके बाद में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमारे पास में मीन, मोड, मीडियन आते हैं। देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसके अंदर हमारे पास में रेंज आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, एंड देन आता है कोरिलेशन, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ने हैं। तो अब इसके अंदर से हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस विद एग्जांपल्स मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है इसे हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ में। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमारे पास मेन, मीडियन एंड मोड जो है यही सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल नॉर्मल थ्योरी का बन गया कि भाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर हमारे पास मेनली 3 चीजें आती हैं, मेन, मोड, मीडियन, ये होते क्या है एंड इन्हें एग्जांपल के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर या फिर 10 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है, फाइंड द मेन, मीडियन, मोड, रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एक सिंपल सा बेसिक सा डेटा हमें दिया गया है, ठीक है। अब इसके ये जो डेटा है इसका हमें मेन निकालना है, ठीक है, उसके बाद में इसका मीडियन निकालना है, उसके बाद इसका मोड क्या होगा वो निकालना है, देन इसकी रेंज निकालनी है एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा ही क्वेश्चन जो है हमारे पास रहेगा एंड इसका सोल्यूशन जो है वो भी बहुत ही आराम से निकल जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स इसके अंदर नहीं आने वाली है, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ इन्हीं का सोल्यूशन आपको बताया जाए, तो वो चीज आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ऐसे यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद सोल्यूशन उसकी वीडियो हम लोग यहाँ पर आपके लिए बना देंगे एंड साथ में उसके जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली जाएगी। अगर आपको जरूरत है तो आप बता सकते हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप अपने आप भी पढ़ सकते हैं, नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं कहीं से या फिर बुक वगैरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है उसे एक्सप्लेन करना है। तो अब इसके सिंपली हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर डेफिनेशन भी आ सकते हैं कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है वो बताओ, ठीक है, या फिर हमारे पास में 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है डिटेल में बताओ एग्जाम्पल्स के साथ में। नेक्स्ट आता है, डिफाइन कोरिलेशन, एक्सप्लेन कार्ल पियर्सन्स कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन विद एग्जांपल। तो सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है इसकी डेफिनेशन हमें बतानी है, उसके बाद में जो कार्ल पियर्सन्स कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन होता है एग्जांपल के साथ में हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो सिंपली कोरिलेशन की डेफिनेशन हमारे पास में 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं, जो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास जनरली 5 मार्क्स के अंदर बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगा,
फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द टू सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमारे पास में दो डेटा दिए गए, एक तो है कंप्लीट एक्स, एक है वाई। तो अब इनका हमें कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो निकालना है, ठीक है। तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वाला नहीं रहेगा, हमारे पास में बहुत ही सिंपली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए, इसके अंदर से भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास में एक सिंपल सा डेटा दे देंगे, उसके मेन मीडियन मोड पूछे जा सकते हैं, एंड सिंपल से डेटा के स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है, कोरिलेशन क्या होता है ये पूछा जा सकता है, एंड कार्ल पियर्सन कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन जो है इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक सिंपल सा डेटा दे दिया एंड इसका जो कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट यूनिट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंड यूनिट। अब जो सेकेंड यूनिट है ना, इसका सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा है, आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हमारे पास में सेकेंड यूनिट में से ही ज्यादा क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसका जो सिलेबस है, सबसे पहले रिग्रेशन के बारे में हमें पढ़ना है, इसके अंदर थोड़ी ज्यादा मैथमेटिक्स हमारे पास रहने वाली है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है हमारे पास में, जैसे इसके अंदर टाइप्स ऑफ एरर है, मतलब टाइप फर्स्ट एरर, टाइप सेकंड एरर, तो ये एंड हाइपोथेसिस है, ये दोनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन जो हमारे पास आते रहते हैं। एंड देन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इसमें से भी हमारे पास में एक दो टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। तो जो कर्व फिटिंग होती है लीस्ट स्क्वायर्स मेथड के द्वारा, वो चीज हम लोग को यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स वाला क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर बार पूछा जाता है, सिंपली 5 मार्क्स के अंदर हमारा क्वेश्चन जो है वो आता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रिग्रेशन, रिग्रेशन क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन लिखनी है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स का रहेगा। नेक्स्ट इज डिफाइन प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके सिंपली डेफिनेशन हमें बतानी है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपली 2 मार्क्स का रहता है। देन डिफरेंशिएट बिटवीन एस डी एंड एस ई एम, एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दूसरा स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो 2 मार्क्स के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। तो हमें सिंपली पहले ये दोनों होते क्या है वो पता होना चाहिए, तो उससे हमें इनके बीच का डिफरेंस जो है वो तो पता चली जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, कैलकुलेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट एंड ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया गया है कि एक्स की वैल्यूज है, वाई की वैल्यूज है, ठीक है। अब इस डेटा से हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालनी है, साथ साथ जो लाइन ऑफ रिग्रेशन होगी वो भी हमें इस डेटा के लिए निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर आता है, इसके अंदर थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, बट फिर भी अगर हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये हमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इन दोनों को अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ये भी हमारे पास में सिंपली 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सप्लेन टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर्स। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हमारे पास में ना 10 मार्क्स का बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मैटर इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें बताना कि हाइपोथेसिस होता क्या है, अब इसके बाद में जो अलग अलग टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के वो हमें बताना है, देन टाइप फर्स्ट एरर्स एंड टाइप सेकंड एरर्स जो है वो भी हमें अच्छे से डिटेल के अंदर यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास टोटल 10 मार्क्स का हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर पैरामेट्रिक टेस्ट, एक्सप्लेन टी टेस्ट एंड एनोवा विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो सबसे पहले तो पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या है वो हमें बताना है, उसके बाद में जो टी टेस्ट है उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एंड जो एनोवा टेस्ट है वो भी हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना है। तो एक कंप्लीट क्वेश्चन तो 10 मार्क्स का बन जाएगा, बाकी सिंपली सिर्फ पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया वो 5 मार्क्स के अंदर आ जाएगा, सिर्फ टी टेस्ट के ऊपर 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, सिर्फ एनोवा के ऊपर जो है 5 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो अब जो हमारी सेकेंड यूनिट है इसके अंदर से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार ही ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, वो सबसे पहला तो है कर्व फिटिंग बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, दूसरा रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है, एंड देन यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस है वो हर बार पूछी जाती है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एरर से भी ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आता है, पैरामेट्रिक टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, एंड जो एनोवा है इससे भी रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन हर बार हमारे पास एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आएगी थर्ड यूनिट, ठीक है। तो थर्ड यूनिट जो है इसके अंदर हमारे पास में आते हैं सबसे पहले तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में रिसर्च, मतलब थोड़ा थ्योरी वाला जो हमारा सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च आता है, देन ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं, देन डिजाइनिंग द मेथडोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स जो है हमारे पास में थर्ड यूनिट के अंदर हम लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते क्या हैं, एंड इसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास में रहता है मैन विटनी यू टेस्ट। तो डिस्क्राइब द मैन विटनी यू टेस्ट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो ये जो टेस्ट है वो हमें सुटेबल एग्जाम्पल्स के साथ में यहाँ पर डिस्क्राइब करना है।
तो ये जो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारे पास में 10 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन फ्राइडमैन टेस्ट, तो ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, सिर्फ इसका क्वेश्चन जो है वो भी हमारे पास में 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द नीड्स फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इसकी मतलब नीड क्या होती है, इसकी जरूरत क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर बताने। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के अंदर ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देन व्हाट इज प्लेगियरिज्म, तो ये होता क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है ना वो 2 मार्क्स के अंदर ऑलमोस्ट हर बार पेपर के अंदर पूछ ली जाती है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जो अलग अलग टाइप के ग्राफ्स होते हैं ना, जैसे हमारे सिलेबस के अंदर दिए गए हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, क्यूबिक ग्राफ, रिस्पॉन्स सरफेस प्लॉट, काउंटर प्लॉट ग्राफ, तो अलग अलग टाइप के ग्राफ जो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमारे पास में आ सकता है 5 मार्क्स के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ऑब्जर्वेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज क्या होती है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसका क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के अंदर हमारे पास आ सकता है। देन एक्सप्लेन द डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, तो यहाँ पर भी हमें क्लिनिकल ट्रायल जो है उसकी स्टडी करनी है इस यूनिट के अंदर, तो जो अलग अलग फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास में 5 मार्क्स के अंदर बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे थर्ड यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके अंदर से जो सबसे ज्यादा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एक तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी मैन विटनी यू टेस्ट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। द नीड्स फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। प्लेगियरिज्म इंपॉर्टेंट, इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपली डेफिनेशन ही पूछी जाती है। एंड जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो भी ऑलमोस्ट हमारे पास हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है फोर्थ यूनिट। अब जो फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट है ना, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, कम कम ही है सिलेबस, एंड इनमें से क्वेश्चंस भी उसी हिसाब से कम कम ही आते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें कि भाई हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम सिर्फ 3 यूनिट पढ़ सकते हैं, तो आपको शुरू की 3 यूनिट ही पढ़नी चाहिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहीं से हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ यूनिट है इसके अंदर हम लोग को फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ना है, एंड देन रिग्रेशन मॉडलिंग जो है उसके बारे में डिटेल के अंदर पढ़ना है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़ना है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ना है। तो अब इसके अंदर से क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है डिफाइंड रिग्रेशन मॉडलिंग, तो रिग्रेशन मॉडलिंग होता क्या, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर बनता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करना है तो डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर फॉर इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स, तो जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स होती है, क्लिनिकल ट्रायल प्रॉब्लम्स होती है, इनसे रिलेटेड जो हमारे पास में स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, तो उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है, तो क्वेश्चन हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में से हमारे पास ये वाले टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब लास्ट हमारे पास आती है फिफ्थ यूनिट, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, फैक्टोरियल डिजाइन एंड रिस्पॉन्स सरफेस मेथोडोलॉजी। अब इसके अंदर से क्वेश्चंस जो हमारे पास एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, सबसे मेन तो फैक्टोरियल डिजाइन सीधे सीधे आ जाता है। हमारे पास में क्या, एक तो 2 to the power 2 एंड एक 2 to the power 3, दो टाइप के फैक्टोरियल डिजाइन होते हैं, बहुत ही सिंपल से इनकी कुछ टेबल बनती है, बहुत ही आराम से लर्न हो जाएगी, तो वो चीज हमें आनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फैक्टोरियल डिजाइन, तो फैक्टोरियल डिजाइन के ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है, तो ये क्वेश्चन सिंपली 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास में आ सकता है। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या होती है, सबसे पहले हम वो बता सकते हैं, देन 2 to the power 2 वाली एंड 2 to the power 3 वाली फैक्टोरियल डिजाइन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस अबाउट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स क्या होती है, इनके बारे में डिटेल के अंदर हमें लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सिंपली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने थे ना वो कंप्लीट होते हैं, ये थे हमारे कंप्लीट बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम बचता है तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जा सकते हैं, एक बार के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो उन्हें भी रेफर आप लोग कर सकते हैं, एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इन दोनों की पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नोट्स वगैरह अगर कुछ बनेंगे तो उसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अगर आपको जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए गए इनके सोल्यूशन चाहिए तो वो भी चीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।